हाँ ठीक है ठीक है, ये फॉर्मूला में लास्ट टाइम पढ़ा था राइट, म्यू नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 बाई आर इंटू एल, इंटू एल करना मत भूल जाना गड़बड़ हो जाएगी ठीक है। चलो भाई म्यू नॉट बाई 4 पाई के लिए क्या डालोगे, इनिशियल माइनस 7 10 टू माइनस 7, I1 I2 कितना है 12 फोर एंड थ्री राइट, अपॉन आर कितना है 1 फोर एम्पियर और थ्री एम्पियर के बीच में 1 मीटर, और लेंथ कितनी है हमारी 2 मीटर, सबको दिख रहा है 2 मीटर क्यों बोल रहा हूँ, ये हमारा स्क्वायर है जिसकी एक साइड कितनी बोली है 2 मीटर, तो दूसरी साइड भी 2 मीटर हो जाएगी ना, देखो तो करो बताओ कितना आ गया ये F1। कौन सी 12 24 48, 48 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कैलकुलेट कर लो भाई, एग्जाम में सिमिलर आएगा सेम नहीं आएगा, ये मैंने फोर्स जो F1 बोला है किस पे निकाला है, AC पे निकाला राइट, अब किस पे निकालना चाहता हूँ DE पर, सेम फॉर्मूला मी नॉट बाई 4 पाई टू I1 I2 अपॉन आर, इस बार आर कितना दिख रहा है मुझे 3 और लेंथ 2 मीटर ही होगी, चाहिए 4 2 8 2 16, 16 × 10⁻¹। चेक करो भाई तुम लोग अपना, तो F1 - F2 कितना आ जाएगा 32 × 10⁻¹। शुभम तुमने 32 × 10⁻⁵ बोला था, परफेक्ट आंसर था, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन में क्या खास बात मैंने बताया था, बोर्ड में मैंने देखा था सेम एग्जाम में 2 क्वेश्चन आ गए थे सेम, अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है पप्पी मैंने डालो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉमा और मैग्नेट्रॉन, कॉमा गायरोमैग्नेटिक रेशियो, 3 टॉपिक है इसमें, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, मैंने बोला मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉमा बोर मैग्नेटॉन, एम ए मैग्नेट में ओ एन ओ लगा देना, मैग्नेटॉन बोर मैग्नेटॉन एंड गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली टॉपिक पढ़ाया ही नहीं जाता, ठीक है। सबसे पहली बात तो बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है मैग्नेटिक मूवमेंट का, एम इक्वल टू आई एन ए, ध्यान दिया सबने, अभी सिर्फ मैग्नेटिक मूवमेंट का है, पहले मतलब मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बताया कि मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे आई एन ए से, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट याद है तुम लोगों को क्यू इंटू टू ए याद है, वैसे ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है या मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही बात है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है क्लॉकवाइज तो क्या इसके ऐसे करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, बताओ ठीक बात बोली मैंने, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलेगा उधर करंट होगी या उसके अपोजिट होगी, उसके अपोजिट होगी,
डायग्राम में मैंने करंट किधर दिखाई है, क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा था क्लॉकवाइज, ठीक सही है। जो हमारा एरिया वेक्टर है इसको कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से, किसी को राइट हैंड थंब रूल याद है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर हमारी फिंगर्स किस तरफ हो, करंट की तरफ, तो थंब कौन है, यहां पर इस डायग्राम में अगर फिंगर्स कौन है, करंट है, तो थंब कौन है, एरिया वेक्टर। तो इस डायग्राम में एरिया वेक्टर किधर लग रहा है तुम लोगों को, मतलब प्लस के कैप या माइनस के कैप, बताओ भाई। हाँ मुझे तो प्लस के कैप लग रहा है या प्लस जेड कैलोरी की बात, बाकी तुम करके देखो। एम मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंड नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, क्या मैं आई को क्यू बाई टी कह सकता हूं, और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैंने वन पुट कर दिया। क्या एरिया को पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं, और डायरेक्शन माइनस के कह पाई या प्लस के कह पाई, सभी नोटिस करना ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या हम टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह सकते हैं, सही बात है। तो सर्कल में एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा, 2πr, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड मैंने कितनी अज्यूम कर ली है, v। तो क्या मैं t को 2πr by v कह सकता हूं, कुछ कैंसिल आउट हुआ या नहीं हुआ, बढ़िया पाई और r कट गया, तो m का फॉर्मूला हमारे पास कितना आ गया, QVR by 2, ठीक है। हाँ मतलब मैं चाहता हूँ करंट को ध्यान से देखो, करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब राइट हैंड थंब रूल याद करो, मैंने क्या बताया था, मैंने बोला था राइट हैंड के फिंगर्स अगर करंट है तो थंब हमारा आंसर देगा, यहाँ पे थंब किधर जा रहा है, प्लस जेड पे, यानी एरिया वेक्टर प्लस जेड पर, जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ध्यान से देखना, ये मैंने कहा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और पढ़ाया नहीं आता, इन जनरल पढ़ाते ही नहीं इस टॉपिक को, ये कम पढ़ाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से। हाँ तो यहाँ नहीं नहीं वो राइट हैंड रूल नहीं है, ये राइट हैंड थंब रूल है, दोनों में डिफरेंस है ना। मैंने दो रूल सिखाए, एक है राइट हैंड रूल जिसको मैं सिंपल बोलता हूँ थप्पड़ रूल, जो जिसकी बात तुम कर रहे हो, और ये कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल, यानी यहाँ जो थंब है वो आंसर देगा। राइट हैंड रूल के लिए जरूरी है दो वेक्टर हो, राइट हैंड रूल में तो दो वेक्टर होते हैं ना, यहाँ तो एक ही वेक्टर है, एरिया वेक्टर यहाँ पे बने, मतलब जैसे अभी इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन के जब मैं वायर कह देता, एक कॉयल है जिसमें 5 टर्न्स हैं, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, मतलब जो ये पहला फॉर्मूला है M=IN है, ये जनरल है, हमेशा लगेगा, जो दूसरा फॉर्मूला बनाया मैंने वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ अगर इस क्यू को चाहो तो हम ई भी कह सकते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन है तो, ठीक है ना। तो क्या मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बन गया, EVR by 2, और एवर से याद रहता है मुझे, मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल है, ई वी आर, एवर बाई टू। और ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है या जनरली लोग डिस्कस भी नहीं करते हैं, कहा नहीं मैंने कि एग्जाम में आता है बट नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते इस टॉपिक को, तो ध्यान देना, अगर एग्जाम में आया तो ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते कैसा कोई टॉपिक भी है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है INA, अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तब मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला है EVR by 2।
एवर बाई टू, और के कैप इसकी क्या है, डायरेक्शन। अगर यहां तक क्लियर हो तो मैं आगे कुछ बताऊं। और मैंने जो एग्जांपल बनाया उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ठीक है, तो आगे बताऊं मैं कुछ। ठीक है, तो हमने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, ई वी आर बाई टू। और हमारे एग्जांपल में जो डायग्राम बनाया था मैंने उसमें डायरेक्शन क्या आई थी, ठीक है। अब ये बताओ क्या हम लोगों ने कभी ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा सर्कुलर मोशन में, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, पढ़ा सर ने? हाँ, तो मैं चाहता हूँ, हाँ, क्या मैं इस वी को आर ओमेगा कह सकता हूँ? एक फॉर्मूला और बन गया, एम इक्वल टू ई आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू, या फिर ई वी आर बाई टू। तो मैं चाहता हूं तुम्हें वो दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, ई आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू और ई वी आर बाई टू। एंड आई होप सबको ये फॉर्मूला पता है, ओमेगा इज टू पाई बाई टी और टू पाई इंटू एफ, ओमेगा का फॉर्मूला मैंने बताया टू पाई बाई कैपिटल टी और टू पाई एफ, एफ का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी। और इस टी का मतलब टाइम पीरियड, ठीक है ना। ई वी आर बाई टू अच्छे से पता होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू ई वी आर बाई टू। क्योंकि जो एम वेक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, जो हमारा एम है वो किस पर डिपेंड करता है, एरिया वेक्टर पे। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, देखो मैंने बहुत क्लियरली लिखा था, एम इक्वल टू आई एन ए और वेक्टर किस पे लगाया था, ए पर, यानी बाकी दोनों कौन है हमारे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड है ना। ठीक है, अच्छा ये बात तुम्हें पता है कि अगर क्लॉकवाइज करंट हो रही है तो साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो नॉर्थ पोल बनेगा, सबको पता है बात। ठीक है, अगर ये बेसिक बात क्लियर हो तो थोड़ा सा और आगे बताऊं मैं, अगर ये बेसिक बात थी, अगर ये क्लियर हो तब आगे बताऊं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ अपने डायग्राम में वापस आते हैं, क्या हमारे डायग्राम में सर्कल में रेडियस दिख रही तुम लोगों को, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड दिख रही है, सही बात है। ठीक है, अब ये बताओ तुम लोग एंगुलर मोमेंटम समझते हो, इसे कोई फॉर्मूला याद हो एंगुलर मोमेंटम का, दोबारा बोलो बेटा, बढ़िया बिल्कुल सही, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको, वेक्टर फॉर्म में जो तुम करो वो भी बिल्कुल सही है, वो एम वी को पी लिख देते हैं, बट बुक्स में एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं आर क्रॉस टी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं इस डायग्राम में अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं तो यहां पर राइट हैंड रूल लगाऊंगा या राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, बताओ भाई, यहाँ पे एक वेक्टर है या दो, तो दो वेक्टर में तो राइट हैंड रूल लगता है, थप्पड़ रूल तो लगाओ थप्पड़ रूल। आर दिख रहा है डायग्राम में, पी का मतलब मैं मोमेंटम कह रहा हूँ, राइट, मोमेंटम का मतलब मैं मास इनटू वेलोसिटी कह रहा हूँ, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अब तुम लोग लगा के देखो भाई, आर क्रॉस पी किधर आ रहा है, आर क्रॉस पी को तुम लोग ऐसा भी कह सकते हो आर पी साइन थीटा, और डायरेक्शन प्लस के कैप या माइनस के कैप, माइनस के कैप कर लो, देख लो भाई, राइट हैंड हमेशा किस तरफ होना चाहिए, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, तो फर्स्ट वेक्टर देखो किधर दिख रहा है तुम्हें,
थप्पड़ किसको मारना है, सेकंड वेक्टर को, देखो सेकंड वेक्टर कहाँ दिख रहा है, खुद से करके देखो, क्योंकि मैं तो कहता हूँ मैं इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा ऐसे, बट हर फॉर्मूले में मैं हमेशा कौन सा रूल लगाता हूँ, राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल, और कोई रूल नहीं लगाता। तो क्या आरपी में पी को हम एम वी कह सकते हैं, और इस डायग्राम में थीटा कितना लग रहा है तुम लोगों को, 90, ठीक है। तो क्या हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया एम वी आर माइनस के क्या, तो ध्यान दो एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में, माइनस के कैप, और मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में था, प्लस के कैप। मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया था इलेक्ट्रॉन के लिए, एवर बाय टू, देखो कॉपी में सही। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आया है, एम वी आर, सही बात है। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वी और आर गया, क्या क्या बचा, E बाई टू एम। इस रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, एंगुलर मोमेंटम ही बोलते हैं। ऑर्बिटल वर्ड तो केमिस्ट्री का लग रहा है मुझे सुनने में, फिजिक्स वाले तो हमेशा एक ही वर्ड यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये तो मैं लीनियर मोमेंटम वर्ड यूज करूंगा या एंगुलर, बस और कुछ नहीं यूज करते हैं। हो सकता है केमिस्ट्री में ऑर्बिटल यूज करते हो, पर फिजिक्स में तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम बोलूंगा मैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमें, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90, और इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है हमें, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31। तो सॉल्व करो, बताओ गैरोमैग्नेटिक रेशियो कितना आएगा। अरे गैरोमैग्नेटिक रेशियो है क्या चीज, ये समझ में आया, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट, जिसकी वैल्यू मैंने कितनी बोली है, ई बाई टू एम। अब इसको कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है, 9.1 या 9.6, 9.9 मान लो, देखो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, (8.8×10⁻¹⁰ कूलम पर केजी, चेक करो ये आ रहा तुम लोगों का, मैंने इसे सॉल्व नहीं करा, मुझे याद है ये वैल्यू, मतलब मैं रेशियो याद रखता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इज 8.8×10⁻¹⁰ कूलम पर केजी, बट मैं चाहता हूँ तुम लोग सॉल्व करके चेक करो ये वैल्यू ठीक है या नहीं है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो सॉल्व कर लेना एग्जाम में, एग्जाम में पूछते हैं। और मैंने कहा ये बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है, या नॉर्मली छूट जाता है लोगों से, छूट जाता है, ध्यान रखना ये टॉपिक नॉर्मली छूट जाता है रिवीजन में लोगों से, और 3 मार्क्स में आता है, और सीबीएसई में भी आता है, कॉम्पिटिटिव में पूछते हैं। और जो मैंने ये रेशियो बताया ना, मैग्नेटिक मूवमेंट अपन एंगुलर मोमेंटम क्यू बाई टू एम या ई बाई टू एम, ये हमेशा चलेगा, मैंने किसके लिए निकाला, इलेक्ट्रॉन के लिए, बट ये हर बॉडी के लिए चलता है हमेशा, इसका आंसर क्या आएगा, क्यू बाई टू एम। अगर ये क्लियर हो तो मैं कुछ और बताऊं इसके बारे में, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान देखना, मैंने तुम लोगों को बताया मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल आया था, ई बाई टू एम, राइट,
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ m इक्वल टू e बाय टू m इनटू n, सही है? अब ध्यान देखना, जब मैं वेक्टर फॉर्म में लगा रहा हूँ तो मैंने यहाँ माइनस क्यों डाल दिया, क्योंकि क्योंकि हमने देखा था मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में था, प्लस के कैप, और एंगुलर मोमेंटम किस में था, माइनस के कैप। तो ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, बढ़िया अपोजिट डायरेक्शन, कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर इन अपोजिट डायरेक्शन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपस में क्लब होके देखो, बड़ा कॉन्सेप्ट बना देंगे अभी। अब मैं जानना चाहता हूं तुम लोगों को, बोर सेकंड पोस्टुलेट किसी को याद है? बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में बताया था कि एंगुलर मोमेंटम स्टेबल ऑर्बिट के लिए हमेशा किसके इक्वल होगा, एन एच बाई टू पाई, ठीक है? ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज से ध्यान रखना है। बोर सेकंड पोस्टुलेट कहती है कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन एच बाई टू पाई, एन हमारा कौन है, इंटीजर, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है? ठीक है, तो हमने आज देखा कैपिटल एम का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ई बाई टू एम इंटू एल, सही ना? अब इस L को क्या कह सकते हैं, एन एच बाई टू पाई, सही है? तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया हमारा मैग्नीट्यूड में, एच ई एन अपॉन 4 पाई एम। ध्यान दिया मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ऊपर क्या लिखा हुआ है n, और नीचे क्या लिखा हुआ है 4 पाई, को हिंदी में क्या बोलोगे, 4 पाई में, मुझे सही याद है फॉर्मूला, n अपॉन 4 पाई, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है n अपॉन 4 पाई m। अब ये बात अगर तुम्हें याद रहेगी तो एग्जाम में फायदा मिलेगा, नहीं तो नॉर्मली फॉर्मूला याद करना आसान है, मुश्किल नहीं है, ऐसे डायरेक्टली याद नहीं होता। तो वो m इंटू e है या e सबस्क्रिप्ट में लिखा है, मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है? रेड पेन से मैंने अलग से सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n अपॉन 4 पाई में। हमेशा H is Planck's constant, अगर ये क्लियर हो तो आया कुछ बताऊं, नोट कर लिया सबने? एक बार दोबारा बताता हूं मैंने कहां से स्टार्टिंग करी, मैंने टॉपिक का नाम क्या बोला था, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉमा बोर मैग्नेटॉन कॉमा गायरोमेट्रिक रेशियो, मतलब तीन टॉपिक हैं एक साथ। तो सबसे पहले हमने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, आई एन ए, यहाँ पर ए हमारा कौन है, एरिया वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन किससे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से। जिसको नहीं आता भाई वो प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग चेक करो, मैंने कई बार बता रखा है राइट हैंड रूल क्या होता है और राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। तो जो मैंने डायग्राम बनाया तो मैं वो समझाने के लिए, क्या उस सर्कल में इलेक्ट्रॉन क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ देखो, क्या मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दिखाई है, देखो ध्यान से ऐसे जा रहे हैं, दिखाएं, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके अपोजिट जाएगी, तो करंट क्लॉकवाइज चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो डायरेक्शन किधर आई, एरिया वेक्टर की प्लस जेड पे, क्योंकि लिखा ना राइट हैंड थंब रूल, एरिया किधर आया, प्लस जेड में, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट भी किधर आएगा, प्लस जेड में। आई को क्या लिखा तुम लोगों ने,
क्यू बाई टी, क्या हमने आई को क्यू बाई टी लिख दिया है और टी को क्या लिखा है टू पाई आर बाई वी, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया ई वी आर बाई टू। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी बनाया जा सकता है। अभी इलेक्ट्रॉन है, एग्जाम में कुछ और भी आ सकता है क्या, कुछ भी आ सकता है। तो बेसिक बात बताओ, सुनो भाई जो बताया जा रहा है, ये अप्रोच है, अगर ये अप्रोच आ गई तभी एग्जाम में बना पाओगे। तो हमने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट किसके इक्वल है ई वी आर बाई टू, फिर मैंने वी को क्या डाल दिया आर ओमेगा, तो एक फॉर्मूला और बन गया मैग्नेटिक मूवमेंट इज ई आर स्क्वायर ओमेगा बाई टू। ओमेगा का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ टू पाई बाई कैपिटल टी और टू पाई एफ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, और राइट हैंड रूल लगाकर हमने देखा डायरेक्शन क्या आएगी माइनस के कैप। फिर गायरोमेट्रिक रेशियो का मतलब है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, जो सॉल्व करके कितना आया ई बाई टू एम। कैलकुलेट करने में वैल्यू क्या आई 8.8 इंटू 10^10 कूलम पर केजी। अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू फिक्स है, अगर अल्फा पार्टिकल आ गया कुछ और आ गया तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के जब वेक्टर फॉर्म लगाओगे तो हमेशा बीच में क्या आएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है, हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, जो मैंने डायग्राम बनाया मैं उसके सेंस में बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हमने देखा बोर पोस्टुलेट से हम एंगुलर मोमेंटम को क्या ले सकते हैं एनएच बाई टू पाई, जिसको कैलकुलेट करने पे मैंने देखा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया एन अपॉन चार पाई में, ठीक है। अब देखो मैं इसके आगे क्या बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो है एन अपॉन चार पाई में, मतलब फोर पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मैंने क्लियरली बताया था एन 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है एंड सो ऑन, कुछ भी इंटीजर, मतलब एन की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है एच ई अपॉन फोर पाई एम, राइट। एच की वैल्यू किसी को याद है 6.6 × 10⁻¹¹। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज की 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन, ठीक है, पाई को 3.14 डाल दूं। ये एम हमारा कौन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू हमें पता है 9.1 × 10⁻³¹। सॉल्व करो बताओ कितना है, सॉल्व करो देखो कितना आता है। करके देखो ऐसा कुछ आ रहा है 9.27 × 10⁻²¹¹। इस मिनिमम वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन।
देखो कैलकुलेट कर देते हैं वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9.27 आ रहा है, 9.27 टेन टू पावर माइनस 24, मुझे ये वैल्यू याद है। आगे बढ़े, नेक्स्ट एंड डालो, टॉर्क ऑन करंट करिंग वायर, करंट करिंग लूप ले लेते, टॉर्क ऑन करंट करिंग लूप इन यूनिफॉर्मेटिकली, टॉर्क ऑन करंट करिंग लूप इन यूनिफॉर्मेटिक फील्ड। थोड़ा इसकी डेरिवेशन ध्यान से देखना, टिपिकल डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान से देखना सब लोग, भाई 3 मार्क्स में आती है, तो 2 मिनट नोट नहीं करना, पहले सुनना मेरी बात, नहीं कंफ्यूजन होगी तुम्हें। क्या सबको ये रेक्टेंगल दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, इस रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होगी एल मान लो, और ब्रेथ कितनी है बी, करंट कितनी है आई। मैं चाहता हूँ सब लोग ध्यान से देखना, नहीं बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ करा, ये हमारी कौन है? मैग्नेटिक। क्या सबको अल्फा एंगल दिख रहा है? अल्फा, अल्फा एंगल मैंने शो करा है जो एंगल मैग्नेटिक फील्ड और लूप के सरफेस के साथ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या ये तुम लोगों को नॉर्मल दिख रहा है? परपेंडिकुलर, तो जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। और सरफेस कितना एंगल बना रही है? अल्फा। तो ध्यान देना, मैंने 2 एंगल बोले, एक एंगल मैंने सरफेस के साथ बोला है, दूसरा एंगल मैंने नॉर्मल के साथ बोला, ठीक है, ठीक है ना। अभी लिखना नहीं, ध्यान से देखना, तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, ठीक है। नेमिंग कर देता हूँ, ए सी डी ई, दिख रहा है सबको? ठीक है, ए सी में कोई करंट है? देखो ध्यान से, क्या ये करंट मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है? ठीक है, तो अगर इस पे फोर्स लग रहा है एफ वन, तो क्या डी ई पे फोर्स लगेगा एफ टू? ठीक है ना। अब मैं थोड़ा साइड व्यू दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, क्या तुम लोगों को ए ई दिख रहा है? ए ई जो कि बी है, वैसे सी डी की लेंथ कितनी है? बी। देखा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब देखना ध्यान से, क्या सबको डी एम दिख रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो, अगर सी डी हमारा बी है तो डी एम कितना है हमारा? बी कॉस अल्फा, देख लो भी ध्यान से, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने 11th क्लास में कुछ पढ़ा हो ऐसा, कि अगर दो फोर्सेस लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो उसको हम टॉर्क या कपल कहते हैं, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, एक फोर्स एफ है, दूसरा फोर्स एफ है, तो इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। क्या फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है? भाई एफ वन क्या लिखोगे? आई एल बी। और एफ टू को भी क्या लिखोगे? आई एल बी। लेंथ सेम है, डिफरेंट है? सेम, तो फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी जो हमारा ये रेक्टेंगल रखा है, इसमें नेट फोर्स कितना है? जीरो। इसका मतलब ये आगे पीछे मूव नहीं करेगा, बट रोटेट करेगा, ठीक है, यानी ये घूमना शुरू कर देगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल सही, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो एफ वन और एफ टू है, इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल बी, ठीक है ना। बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए? एनी डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी? बी कॉस अल्फा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया है? बी कॉस अल्फा। और फोर्स कितना लग रहा है? आई एल बी।
क्या लेंथ इनटू ब्रेथ को कुछ कह सकते हैं? बताओ भाई, एरिया नहीं रहा, कॉस होगा। ठीक है, मैं थोड़ा और अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, देखना। हाँ, वो देखने वाली बात है, अभी मैंने कहा ध्यान से देखना, नहीं तो मैं कंफ्यूजन होगी। उस डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखोगे तभी बात समझ में आएगी। कोई बात नहीं, यहाँ तक का तो डायग्राम समझ में आ रहा है सबको। मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ सब लोग डायग्राम ध्यान से देखना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। जो मैंने एक ब्लू कलर से लाइन बनाई, ये लाइन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, सी डी है, ठीक है ना। क्या डी एम दिख रहा है तुम लोगों को? मैं दो दो फिगर बना दे रहा हूँ इसलिए, राइट। तो क्या क्वेश्चन में सी डी जो डायग्राम है वो बी के इक्वल है? सी डी है ना। आप बी का कंपोनेंट सोचो क्या होगा, कॉस होगा या साइन होगा? तो मैंने वही लिखा, वो बी कॉस अल्फा। और जिसको मैं बी कॉस अल्फा कह रहा हूँ वो एक्चुअली आर परपेंडिकुलर है क्या? ठीक है ना, आर परपेंडिकुलर हमारा कौन है? एम डी। तो क्या लेंथ इनटू ब्रेथ को एरिया कह सकता हूँ? सही है। आई ए को क्या कह सकता हूँ? मैग्नेटिक मोमेंट। आज मैंने बोला था मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई एन ए। तो इस डायग्राम में नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिख रहे हैं तुम लोगों को? वन। और अल्फा प्लस थीटा कितना दिख रहा है? हाँ बिल्कुल सही, पाई बाई टू है 90। तो क्या मैं अल्फा को 90 माइनस थीटा कह सकता हूँ? मैंने पहले ही बोला था ये डेरिवेशन थोड़ा टिपिकल है, तो भाई ध्यान से देखना, बुक से तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी क्या लिखा हुआ है। तो मैंने अल्फा को क्या डाल दिया, 90 माइनस थीटा। तो क्या मेरे पास फॉर्मूला बन गया, टॉग इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अगर थोड़ा नोटिस करो तो सिमिलर फॉर्मूला मैंने तुमको इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ाया था, टॉग इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या बन गया, एम बी साइन थीटा। अगर वेक्टर में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, एम क्रॉस बी। सही है। अगर थीटा जीरो हुआ तो टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा 180 हुआ तब टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। अगर थीटा 90 हुआ तब तो टॉर्क मैक्सिमम एम बी। ठीक है, पहले इस डेरिवेशन को बार देख लो, फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मतलब वो वायर के परपेंडिकुलर होती है, आपस में नहीं होती। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ, तो इसमें बी नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, वो परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल पे लग रहे हैं, एंगल पे लग रहे हैं। तब इस डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन होती है लोगों को। मैं एक मिनट, एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ गायत्री का, सब लोग देखना ध्यान से, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं। ऐसा मैंने चैप्टर वन में पढ़ाया था, देखो शायद हो सकता है इससे तुम्हें वो क्लियर हो। इस प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है क्यू ई, और इस माइनस क्यू पे लग रहा है फोर्स माइनस क्यू ई। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी आर होगी या एल होगी इस डायग्राम में, वैसा कुछ है वहां पर। समझ में आया सब कुछ, मैंने क्या बात बोली, जो मैंने नया डायग्राम बनाया अभी ये, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगी या एल होगी? सही है। अगर कुछ ऐसा याद आ रहा हो कि मैंने इलेक्ट्रोस्टेट में लिखा था 2a, तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा होगा। हाँ बिल्कुल सही, मैंने वहां लिखा था ये डिस्टेंस थी हमारी 2a, जो दो चार्जेस के बीच में थी, याद आ रहा है। और अगर एंगल ये थीटा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या बन गई थी, 2a sin थीटा। तो वहां पे sin थीटा बनी थी, यहाँ पे cos बन रही, और अल्फा में। तो थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखने वाला है, 3D डायग्राम है।
और इस टॉपिक से जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो चलेगा मूविंग पॉइंट, वो 5 मार्क्स में आता है। तो आज चैप्टर की लास्ट क्लास है, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, अगली क्लास में फिर डाउट निकालो तुम लोग कितने डाउट निकाल सकते हो। किसी कोई डाउट है? और इन टॉपिक्स को ध्यान से रखना, इन पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आज जो बता रहा हूँ ये सारी बातें काम आएंगी और इन पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एंगल पे ध्यान देना, नॉर्मल से जो एंगल है उसको मैंने नेम थीटा दिया है और जो सरफेस से एंगल है उसको अल्फा दिया है। टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा में जो थीटा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच का एंगल है। और मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ते टाइम सब अच्छा लगता है, जब क्वेश्चन पूछो तो बस दिमाग घूम जाता है फिर, तो भाई एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछेगा वो, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है कि तो बना लोगे। जब भी किसी टॉपिक की डेरिवेशन बताई जाए उसको ध्यान से देखो बताना क्या चाह रहे, क्योंकि अगर एक बार बेसिक समझ में आ गया तो बन जाएगी बात उसके बाद। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने बहुत क्लियरली बोला टॉर्क इज एम क्रॉस बी एंड इट इज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क व्हिच वाज टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पी का मतलब था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे एम का मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और ये अगले चैप्टर में भी काम आएगा ये वाला फॉर्मूला, चैप्टर 5 में भी काम आएगा। हो गया बताओ भाई, हो गया तो आगे बढ़े। रेक्टेंगुलर लेंथ और ब्रेथ लिखा था ना मैंने, स्क्वायर होता तो इक्वल लिखता हूँ। हो गया, जल्दी से नोट करो आगे बढ़ते हैं। जो इसके आज जो आप टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स में, बाकी सारे टॉपिक 3 मार्क हैं। हो गया ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखो 5 मार्क्स के हिसाब से।
जो मैंने नोट वन लिखा है नीचे, ये समझ पा रहे हो ना मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, आर परपेंडिकुलर कैसे निकालना है। जैसे हमारे डायग्राम में जो बी था वो आर परपेंडिकुलर था या बी कॉस अल्फा, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसका सबसे पहले काम क्या है लिख लो, डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करेंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट, ब्रैकेट में लिख लेना डीसी, यानी ये डीसी पे काम करेगा एसी पे काम नहीं करेगा, एसी के लिए अलग डिवाइस यूज करते हैं। तो इसका हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्या है, नहीं करें उसके अलग होता है। इसका प्रिंसिपल है करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experiences a torque। जो हमने पीछे डेरिवेशन करी वही इसका प्रिंसिपल है क्या, करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम बी साइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, अगर मैं इस टॉर्क को मैक्सिमम करना चाहता हूं तो थीटा को मुझे क्या करना चाहिए, 90। लॉजिकल बात है, तो अगर मैं टॉर्क मैक्सिमम चाहता हूं तो थीटा को 90 कर दो। थीटा को 90 करने को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में कई बार पूछेगा ये, कई बार पूछता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है थीटा को क्या करना, 90, और थीटा को 90 करने से क्या फायदा हो रहा है, टॉर्क हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। कौन सा टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग। नहीं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब होता है एम बी साइन थीटा। यहाँ पे एम को हम क्या ले सकते हैं, आई एन ए, और अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं थीटा हमेशा क्या रहे, 90। अभी प्रिंसिपल बताया, अगर डिजाइन में बताऊंगा तो और समझ में आएगा। पहले मूविंग गैल्वेनोमीटर करता क्या है समझ में आया, डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट। कौन सी करंट, डीसी। वेट और स्ट्रेन ब्रिज याद है सबको, तो वहां लोग गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते थे, वही यही, और हम कोशिश करते थे कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिसका अलग करंट क्या है, जीरो। तो गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट में काम करेगा या लार्ज करंट में, स्मॉल। देखो मैंने स्पेशली लिखा है स्मॉल, लार्ज करंट में नहीं लगाते, नहीं तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 mA है तो कोई दिक्कत नहीं, 10 mA है कोई दिक्कत नहीं, 10 A है खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ध्यान रखना है हमेशा कहाँ पे यूज करेंगे, स्मॉल। अगर लार्ज भी यूज करना चाहते हो तो उसको हम एमीटर कहते हैं, वो मैं आगे भी सिखाऊंगा। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, पहले प्रिंसिपल समझ में आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं थ्योरी एंड वर्किंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ, क्या तुम लोग ये मैग्नेट पहचान पा रहे हो, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसका जो फेस है वो फ्लैट है या कॉनकेव शेप है, कॉनकेव।
क्यों है पॉइंट के यू, जिससे थीटा क्या हो जाए और टॉर क्या हो जाए मैक्सिमम। तो एग्जाम में पूछेगा कॉनकेव शेप मैग्नेट तुमने क्यों यूज करा है, तो उसका रीजन क्या लिखोगे? कॉनकेव शेप मैग्नेट यूज करने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई है? रेडियल, मतलब थीटा 90। यहाँ फील्ड का मतलब मैं मैग्नेटिक कहना चाह रहा हूँ, राइट? ठीक है, आप सबको ये रेड कलर का पार्ट दिख रहा है जो मैंने रेड कलर का बनाया है, ठीक है? ये सर्कल नहीं है, ध्यान रखना ये कौन है हमारा सिलेंडर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। तो है तो सिलेंडर, सर्कल सा क्यों लग रहा है देखने में? टॉप व्यू, बढ़िया। ऊपर से देख रहे हैं क्या? पानी की बोतल को ऊपर से देखूं, सही बात कह रहा हूँ? तो अगर ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेगा? सर्कल सा दिखेगा। समझ में आया? ये टॉप व्यू, ऊपर से देख रहा हूँ मैं। तो एग्जाम में पूछेगा सिलेंडर क्यों यूज करा, तो फिर से रीजन क्या लिखोगे? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का थीटा कितना हो गया है? 90। और टॉर क्या हो गया है? ठीक है, सिलेंडर समझ में आया ना? ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करा ये पूछता है एग्जाम में। तो तुम लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा है डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो फेरी, एंटी फेरी? केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, सॉलिड स्टेट में मुझे पता नहीं कहाँ पढ़ाते केमिस्ट्री में, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो सॉफ्ट आयरन होता है ये कौन है? फेरोमैग्नेट। ठीक है, सबको नाम याद रखना है। मैंने बोला सॉफ्ट आयरन कौन है? फेरोमैग्नेट, जिसका काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को 1000 times बढ़ा देना। नोटिस करा, फेरोमैग्नेट का क्या काम है? मैग्नेटिक फील्ड को 1000 times बढ़ा देना। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, अब सोचो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा क्या? बढ़िया। तो अभी तक जो मैंने डिजाइन बनाई उसमें मैग्नेट कॉनकेव शेप इसलिए बनाया जिससे फील्ड क्या हो जाए? रेडियल। सिलेंडर इसलिए बनाया, यूज करा जिससे फील्ड क्या हो जाए? रेडियल। और सिलेंडर सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाया? जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? बेटा आगे आ जाओ, इधर आगे, इधर बैठो। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? 1000 times। और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी टॉर्क उतना ज्यादा होगा, ठीक है? हाँ बेटा, अगर फ्लैट होता तो एंगल वेरिएबल हो जाता। देखो मैं ये रेड कलर से मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। हम चाहते हैं हमारा टॉर्क वेरिएबल हो या मैक्सिमम हो? मैक्सिमम, इसलिए मैंने ऐसा करा है, ठीक है? हम चाहते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, ठीक है? और सेंसिटिव हो, इसका मतलब बहुत कम करंट को भी मेजर कर ले, ठीक है? अब देखो मैंने ये ऊपर स्केल ड्रॉ करी है, ठीक है? ये मैंने क्या बनाया है? स्केल। क्या स्केल का जीरो दिख रहा है? मैंने कहाँ लिखा है, लेफ्ट में या बीच में? बीच में। और ये पॉइंटर दिख रहे, और ये स्केल का पॉइंटर दोनों तरफ चलता है लेफ्ट राइट में। तुम लोगों ने गैल्वेनोमीटर देखा है? नहीं देखा है? देखा है, दोनों तरफ चलता है लेफ्ट में भी राइट में भी, ठीक है? एक ये मैंने ब्लैक कलर से जो बनाया ना, ये हमारी कौन है? स्प्रिंग। इसका मतलब सिलेंडर को मैंने कहीं से हैंग कर रखा है क्या? दोनों ब्लैक कलर से दिखा मैंने किसको स्प्रिंग लिखा है, फिर से दिखाता हूं। देखो तुम लोगों को ये कुछ दिखा, मैंने स्पाइरल से कुछ बनाया है। ये स्पाइरल हमारी कौन है? स्प्रिंग, जिससे मैंने सिलेंडर को क्या कर रखा है? हैंग कर रखा है, ठीक है? अगर यहां तक हो गया तो आगे बताऊं मैं, ठीक है? कर ले नोट। मैंने बोला था कॉनकेव शेप मैग्नेट जिससे फील्ड क्या हो? रेडियल। और सिलेंड्रिकल शेप जिससे फिर से फील्ड क्या हो? रेडियल। और सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन कैसा है? फेरोमैग्नेट, जिसकी वजह से फील्ड क्या होगी? 1000 times। तो मैंने स्प्रिंग क्यों लगाया है? स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करेगा? दो मिनट रुक जाओ, गेट बंद करो। स्प्रिंग प्रोवाइड रीस्टोरिंग फोर्स, मतलब तुम लोगों ने ऐसे गेट देखे पुश करो खुल जाता है, छोड़ दो अपने आप बंद हो जाता है,
ठीक है, ऐसे के हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं ऐसे हाइड्रोलिक वाले, वेरी गुड। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हो भाई, जब स्प्रिंग को पुश करोगे तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी आ जाएगी, छोड़ दोगे तो वापस खींच लेगा। तो मैंने बोला स्प्रिंग प्रोवाइड रीस्टोरिंग टॉर्क, जिसका फॉर्मूला क्या है, के फाई, के फाई फाई कोई एंगल है, ठीक है, फाई हमारा कौन है एंगल, और के हमारा कोई कॉन्स्टेंट है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो टॉर्क है, एक टॉर्क का कौन सा है डिफ्लेक्टिंग, और दूसरा टॉर्क कौन है रीस्टोरिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला आज हमने क्या पढ़ा, एम बी साइन थीटा, थीटा मैं कितना पुट करना चाह रहा हूँ 90, सही। एम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, आई एन, सही है। तो क्या इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं कि जो आई है और जो फाई है प्रोपोर्शनल है, सही बात है। इसका मतलब जितना ज्यादा करंट तुम फ्लो कराओगे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा, उस डिफ्लेक्शन को देख के हम करंट मेजर कर लेंगे। तो बस बताएगा क्वेश्चन में पॉइंटर जितना घूमता है, पॉइंटर का एंगल है, मतलब हमें देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बताएगा हमेशा। जैसे कि पॉइंटर ऐसे जीरो पे होना चाहिए, पॉइंटर इधर आ गया 30 डिग्री पर, तो ये हमारा फाई हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो आज यहाँ तक कर लो, नेक्स्ट टाइम इसमें थोड़ा सा टॉपिक बचा है वो करा दूंगा, तो पढ़ के जरूर आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कौन सा, हाँ।